एलपीएल का दूसरा मैच जो कि जाफना किंग और गैले मार्वल्स के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से ये दूसरा मैच हो सकता है और कैसा जो है वो पिच परफॉर्म कर सकता है, कैसा आपको इस मैच के बारे में जो है जानने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो गैले का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक था, सेकेंड पोजिशन पे जो है समाप्त किया था। वही जाफना का देखोगे तो ये टॉप थ्री से जो है वो बाहर हो गए थे। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखोगे तो आप इस वीडियो के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा टीम जो है ये मैच जो है वो जीत सकता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा। तो जब भी आपको मैचेज होगा, चाहे आप फैंटासी लीग खेल रहे हो, सेशन खेल रहे हो, विनर खेल रहे हो, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता रहेगा अगर इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक आप देखते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो एक एक करके जो हम लोग चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो ये जो है सेकेंड मैच जो है वो होने वाला है, जो कि आपको जो है वो 2 जुलाई को जो है देखने को मिलेगा, जो कि टाइमिंग होगा 3 PM जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका सेकेंड मैच होगा, 2 मैचेज है वो जो है 7:30 से आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू जो है वो पलकेले है, क्योंकि अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बताया था कि पलकेले में जो है टोटल 5 मैचेज जो है वो होने वाले हैं। तो ये जो होगा दूसरा मैच होगा, इसके बाद भी जो है वो 3 मैचेज होगा और इंडिया में लाइव जो है आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हो या स्टार स्पोर्ट्स पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही ये जो व्हाट्सएप का नंबर है आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कॉल पर सर्च करके या फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन करके कुछ इस तरीके से जो है आपको चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है कराई गई है, जो कि आने वाले मैचेज में भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और खासकर एलपीएल और जो टीएनपीएल है वो भी जो है साथ में चलेगा, तो उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो वीडियो को जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप पहले कर लेना। और अगर आप विनर में जो है सेशन में कुछ इस तरीके से जो है प्रॉफिट आप उठाना चाहते हो, ये आप देखोगे ना, क्योंकि वो कल का जो है वो सेशन जो है वो कराया गया था फाइनल का। फाइनल में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंडिया कप विनर किया और वहाँ पे भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है जैकपॉट दिया गया था, जो कि 10 पैसे का कॉल था साउथ अफ्रीका पे, वो भी जो है वो दिया गया था और बहुत अच्छे तरीके से जो है इंडिया जो है जैकपॉट से विन किया। यहाँ पे देखोगे सेशन जो है बहुत अच्छे से कराया गया। अगर इस तरीके से कुछ सेशन में आप प्रॉफिट करना चाहते हो एलपीएल में, इसके अलावा जो है टीएनपीएल में, और साथ में ब्लास्ट के मैचेज भी जो है ना 6 तारीख से चालू हो जाएंगे, तो उसमें अगर बहुत अच्छे से आप सेशन में प्रॉफिट करना चाहते हो तो ये वाले व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ जाना। साथ में आप टेलीग्राम पे भी जो है जुड़ के ये सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे भी जो है ना ये सारी चीज़ें कल ओपन में आया था, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें खिलाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जो आप प्रॉफिट उठा सकते हो। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, कि पलकेले का पिच रिपोर्ट जो है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो पिच रिपोर्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप फैंटेसी खेलते हो, सेशन खेलते हो या फिर जो है मैच विनर भी खेलते हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कैसा जो है पिच बिहेव करेगा। उसी के हिसाब से सेशन चलता है, उसी के हिसाब से फैंटेसी भी चलता है, और उसी के हिसाब से आपको मैच विनर भी जो है ना डिसाइड होता है कि पिच कैसा बिहेव करता है और किस तरीके से जो बैट्समैन है, बॉलर है, उस पिच को असेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बैट्समैन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो पिच का जो इनिशियल कंडीशन है वो काफ़ी स्विंग होता है, जिसके लिए अगर स्विंगिंग है तो बॉलर्स के लिए भी जो है बेनिफिट है, क्योंकि बॉलर्स वहाँ पे स्विंग करा के बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकता है इस चीज़ का, और बैट्समैन को जो है ना वो चलता बंद कर सकता है। 1, 2, 3, 4 बैट्समैन जो है वो पावर प्ले तक जाने के चांसेस बन सकता है अगर स्विंग जो है वो 3, 4, 5 ओवर तक रहता है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा कंडीशन है एक, कि स्विंग अगर मिलता है शुरुआत में तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर चांसेस रहेगा कि जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा अनसेटल हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जो ये वाला मैच होगा ना, जो दूसरा मैच होगा वो दिन में होगा, तो दिन में जो है ना स्विंग जो है ना वो 5-6 ओवर तक जो है थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ 1-2 ओवर जो है स्विंग बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। और अगर बैट्समैन जो है थोड़ा सा शुरुआत के इनिशियल स्टेज से निकल के सेटल हो जाता है, एक बड़े स्कोर की तरफ जो है वो देख सकता है, जहाँ पे टारगेट आप देखोगे तो 180, 170, 190 के आसपास जो है वो देख सकता है, वहाँ पे बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा चांसेस रहेगा कि एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस बना ले। क्योंकि इस पिच के लिए ऐसा देखा जाता है कि इनिशियल कंडीशन स्विंग रहता है, फिर जो मिडिल वाला कंडीशन होता है वहाँ पे देखोगे आपको बॉल में जो है बाउंस बहुत अच्छे तरीके से आता है सीधा बल्ले पे, जिससे बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे लेटर हाफ जो है वो चला जाता है तो आप देखोगे तो जो पिच जो है ना उसमें थोड़ा सा जो है वो स्लोअर जो है वो पेस आना शुरू हो जाता है, स्लो होने लगता है, जिसके चलते स्पिनर्स जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं इफेक्टिवनेस होना, और वैसे सिनेरियो में जो स्पिनर को बेनिफिट है वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और ये जो स्पिनर का बेनिफिट है ये जो है मैच को पलट सकता है लास्ट के एजेज में, जहाँ पे जो है आप देखोगे कि जो मिडिल वाला फेज होता है वहाँ पे स्पिनर आते हैं, और मिडिल वाले फेज में अगर 3 से 4 विकेट निकल जाता है तो वहाँ पे किसी भी टीम के लिए जो है ना बैकफुट पर चला जाना थोड़ा सा जो है मुश्किल नहीं होता।
लेकिन अगर बैट्समैन की बात से बात करते हैं तो बैट्समैन को थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा, खासकर जो इनिशियल फेज है वो वाला, और जो मिडिल फेज होगा जहाँ पे जो है स्पिनर बॉलिंग करेंगे वो वाला, उसके बाद से जो है रैंप पर रन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर पिच पे कोई भी बैट्समैन खड़ा रहे तो। इसलिए अगर बॉलर्स के लिहाज से बात करते हैं तो अगर कोई बॉलर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहा है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सक्सेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी जिस तरीके का ये पिच है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट जो डोमेस्टिक मैचेज है वो किस तरीके से आपको देने मिला है। तो लास्ट जो है यहाँ पे 25 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए, जिनमें से आप देखोगे तो 14 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 11 जो है वो सेकेंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे यहाँ पे 161 है। तो इससे आप जो है इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई टीम जो है 170 180 के आसपास रन बनाता है तो डिफेंड होने के चांसेस इस ग्राउंड पे जो है वो बन जाएगा, लेकिन अगर 160 150 के आसपास जो है यहाँ पे रन बनाता है तो वो जो है चेस होने के चांसेस जो है थोड़े से ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई 180 190 रन बना लिया तो चेस ही नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जो 90% चांसेस होता है वो डिफेंड होने के होता है, तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्कोरिंग पैटर्न है, तब देखोगे 150 से नीचे 10 स्कोर है, और ये वैसा ही वाला स्कोर जो है आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे शुरुआत में स्विंगिंग के चलते जो है थोड़ा सा विकेट जो है एक दो एक्स्ट्रा चला जाता है, जिसके चलते रन जो है ना बनाना थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करते हैं 50 से 60 70 के बीच में देखोगे तो 6 स्कोर है, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन जैसे ही आप 70 से ऊपर निकलते हो ना तो 100 जो है वो आप 70 से 90 के बीच में 4 स्कोर देखोगे, 190 से ऊपर 5 स्कोर देखोगे, और जैसे आप 170 से ऊपर निकलते हो तो 170 से ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ना ये आपको जो है ना एक विनिंग वाले एरिया में अगर पहले बैटिंग करते हो तो आपको जो है लाके खड़ा कर देगा, क्योंकि इसे डिफेंड करने में भी जो है आपके बॉलर्स को मज़ा आएगा, और थोड़ा सा जो डर रहता है ना कि ये जो है चेस हो जाएगा चेस हो जाएगा, तो एक वो वाला चांसेस भी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगा, जिसके चलते जो प्लेयर्स है वो थोड़ा सा जो है निर्भीक होकर खेलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफेंड भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेस नहीं हो सकता, उसका एग्जाम्पल जो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं, जो लास्ट 4 मैचेज है ये आप देखोगे तो पिछले एडिशन के जो है वो हैं धोनी की 2023 के, जो कि लास्ट 2 मैचेज जो है वो देखोगे 8 अगस्त को हुआ था, एक जो है 3 बजे से एक 7:30 बजे से, और उसके पहले लास्ट 2 मैचेज जो है वो 7 अगस्त को हुआ था, जो कि सेम फॉर्मेट है, डबल हेडर मैचेज था। जहाँ पे आप देखोगे तो जो पहला मैच था 8 अगस्त वाला 2 मैचेज था, वहाँ पर देखोगे एक मैच में कोलंबो ने जो है वो 146 बनाया, जाफना चेस कर लिया। उसके पहले अगर बात करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे 200 रन जो है वो कैंडी ने बनाया, और गैले जो है यहाँ पे जो है वो आप देखोगे 114 रन पर जो है ऑल आउट हो गया था, जहाँ से 89 रन से जो है कैंडी जीत गया था। लेकिन अगर यही 7 अगस्त की बात करते हैं तो आप देखोगे वहाँ पे डम्बुला ने जो है वो 134 बनाया, और जाफना जो है 123 पे जो है 7 रह गए, और डम्बुला जो है 9 रन से जीत गया, यानी कि इतना छोटा सा टारगेट जो है वो चेस नहीं हो पाया। उसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं उसी दिन, तो आप देखोगे तो गैले ने जो है 188 बनाया, और यहाँ पे 189 रन बना के जो है वो कोलंबो जो है चेस कर लिया था। अगर हम 4 मैचों से हम लोग देखें तो देखो 2 जो है चेस हुआ है, 2 डिफेंड हुआ है। अब देखो जो चेस हुआ है वो 188 का टारगेट था, 189 का, और यहाँ देखोगे तो 157 का जो है वो टारगेट 47 का टारगेट था। तो अगर देखोगे तो दोनों में जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे 40 रन जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो चेस करना है, फिर भी जो है चेस हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ना 134 रन जो है वो डिफेंड करना था, डिफेंड भी हो गया, और यहाँ पे देखो 200 रन जो है डिफेंड करना था, ये भी डिफेंड हो गया। तो अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे टोटली जो इनिशियल फेज जो है वो कैसा रहता है वो जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी मैच को जो है अच्छा परफॉर्म करवाने में या डिफेंड करने में। तो अगर मैच कैसे भी होता है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से जो है वो सोच रहे हो और टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसी के हिसाब से जो है मैसेज यहाँ पे होगा। लेकिन एक चीज़ जो है आप सियोरिटी के साथ जाना कि चाहे मैसेज कैसा भी हो आप सेशन में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना लोगे, ट्रेड करके बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना लोगे, और इवन अगर आप हम लोगों के साथ खेलते हो तो आपको जो है एक नन कटिंग जो है वो विनर भी जो है वो दिया जाता है, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो हो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो है ना पिच रिपोर्ट है जिससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से बिहेव करेगा पिच, और इसके सहारे आप चाहे विनर खेल रहे हो, सेशन खेल रहे हो, या फिर जो है फैंटासी लीग खेल रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है आप आकलन लगा सकते हो कि कैसा जो है बिहेव करेगा। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड का। तो हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो आपको देने मिलेगा टोटल जो है 11 मैचेस जो है दोनों टीमें खेली है, जिनमें से 7 जो है वो जाफना जीता है और 4 जो है वो गैले जीता है। तो गैले जो है ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कम है, और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लास्ट एडिशन में जो लास्ट के 4 मैचेज है जाफना के, उसमें से जो है 3 हारा है, सिर्फ 1 मैचेज जीता है। लास्ट एडिशन में ऐसे भी जाफना का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही थोड़ा सा ख़राब परफॉर्मेंस था। गैले की बात करते हैं तो इनका भी लास्ट के 5 मैच में जो 2 जीता है, 3 जो है ये हारा है। तो गैले ने भी जो है लास्ट की शुरुआत के एडिशन में जो है परफॉर्मेंस अच्छा किया था, लेकिन जैसे जैसे जो है वो मैसेज आगे बढ़ते गया, जो लास्ट एडिशन था फेज आगे बढ़ते गया, परफॉर्मेंस जो है इनका थोड़ा सा जो है गिरने लगा था। लास्ट के 3 मैचेज देखोगे तो जिसमें से 2 मैचेज जो है वो पिछले साल के थे, इसमें से आप देखोगे एक बार गैले 117 बनाया, जाफना चेस कर लिया, और एक बार जाफना जो है 89 पे ऑल आउट हो गया था, 90 बना के गैले जो है जीत गया था। और ये जो 2022 का मैचेज है, 2022 में दोनों टीमें जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही थी,
तो ये जो है ना पिछले साल का मैसेज है, और इस साल जो है वो देखना होगा किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्लेइंग इलेवन का, तो अगर प्लेइंग इलेवन की हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा जाफना की तरफ से अगर नाम सुनोगे तो बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे अब इसका फर्नांडो, पर्थ निशंका, एलेक्स रोज, रिले रिसो, इसके अलावा जो आप देखो फैबियन एलम, चरिता श्रीलंका, धनंजय दे सिल्वा, इसके अलावा जो है निशान मधुसका, इसके अलावा जो है कुशल मेंडिस, अजिता फर्नांडो, निशल और नूर अहमद, तो ये जो है ना बहुत बड़े बड़े नाम है। अगर इनका परफॉर्मेंस जो है ना, अगर इनमें से 7-8 प्लेयर का परफॉर्मेंस भी जो है ना एक साथ आ जाता है तो ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है पूरे लीग में। और अगर दूसरी तरफ भी देखो तो गैले का भी जो नाम देखो ना बहुत बड़े बड़े, जैसे एलेक्स वेल्स, जैसिन विलियम, सदीक राजपक्षा, धनंजय लखन, इसला बेन प्रेटेरियस, इसरू डाना, निरोशन डिकवाला, भनुका राजपक्षा, जिला वजह टीम साइफर्ट, लोहरू कुमारा, मुजीबुर रहमान, महेश दीक्षाना, जहूर खान, तो ये आप नाम सुनोगे तो बहुत बड़े बड़े नाम है। और ये परफॉर्मेंस भी अगर इसमें से भी जो है सेम अगर 7 से 8 प्लेयर परफॉर्मेंस एक साथ देते हैं तो ये टीम जो है ना इसे डिफीट करना बहुत मुश्किल टीम होगा। यानी कि अगर मैच जो है देखोगे ना तो दोनों टीमों में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा मैच जो है ये हो सकता है जो दूसरा वाला मैच होगा। और इसको जो हम लोग फुल डिटेल्स में जो है वो कवर करेंगे, चाहे सेशन हो, विनर हो, मैच हो, ये आपको जो है पूरा डिटेल्स में जो वो देखेंगे। अब बात करते हैं एक बार ड्रीम इलेवन टीम का, तो अगर ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं तो ये जो है ना आप देखोगे तो एक जो है वो स्मॉल लीग टीम है, जो ड्रीम इलेवन टीम का जो ग्रैंड लीग है वो जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करोगे अभी भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने पिछले जो है वो टीम देखे होंगे जो कि हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया था, जो लास्ट फाइनल वाला मैच था वर्ल्ड कप का वहाँ पर डिस्कस किया था, जो लास्ट टीम अगर उस टीम में आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, रोहित शर्मा को जो है आप छोड़ के जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस जो है वो रोहित शर्मा का लगातार 2-3 मैचों से आ रहा है, तो छोड़ के जा सकते हो, विराट कोहली कैप्टन बना के जा सकते हो, इसलिए अक्षर को जा सकते हो। तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हमने बोला था वो सेम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस जो मिला, और इवन जो है स्मॉल लीग का जो है टीम दिया था वीडियो में, अगर आपने उसे ग्रैंड लीग में खेला होगा तो बहुत अच्छे रैंक पे जो है वो आए होंगे। तो कुछ इस तरीके का जो है ये टीम रहने वाला है। बाकी जो टीमें हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम पर जो है आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन करके जो है वो जुड़ सकते हो, या फिर स्क्वाडिंग इलेवन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी जो है मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके, या फिर कॉल फ्रीजर सर्च करके जो है आप यहाँ से स्कैन कर लेना, और आगे वाली वीडियो जो भी आएगा उसको जो नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।